अज असी तुहानू उस पावन स्थान ते लैके आए हाँ जिस स्थान ते भाई प्रेमी जी की लत ठीक की है गुरु अमरदास पातशाह जी ने। ये जो तुसी जगह देख रहे हो एक फकीर साईं की जगह सूफी संत बाबा साहब साईं जी जिस स्थान ते भाई प्रेमी जी नू गुरु अमरदास पातशाह ने भेजिया कि जाओ एक फकीर साईं साडा बैठा है साडा सज्जन है साडा सखा है उहदे पास चले जाओ उह तुहाडी लत जिहड़ी है उह ठीक कर सकदे आ। सो एक बारी अंदर दीआं तस्वीरां वी तुहानू असीं दिखावांगे। तुसीं देख सकदे हो कि यह जो अस्थान है ये बनिया होया उस तरह ही बाबा जी की याद में पीर पातशाह शाह हुसैन जी की याद में ये अस्थान जिहड़ा अज भी सुशोभित है। तो इत्थे ही गुरु साहब ने भाई प्रेम जी नूं भेजिया सी कि जाओ तो अपनी लत ठीक करवा लो। गल विच पल्ला पा के बाबा शाह हुसैन जी दोनों हाथ जोड़ के कहन लगे कि पातशाह जी कर दे आप हो ते नाम साढ़े फकरां दा लैंदे हो। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह जी ने भाई प्रेमी जी ते बाबा शाह हुसैन जी नूं खुशियां बख्शियां। कहिंदे जाओ तुहाडी बंदगी पूरी हो गई है जो भी तुहाडे दर ते आवेगा मोह मंगियां मुरादां पावेगा गुरु रूप प्यारी साध संगत जी। ये जो बाबा जी दी मजार है ये धन धन बाबा शाह हुसैन जी उन्हां दी है। सत श्री अकाल जी, सुरखाब टीवी देख रहे हो ते अज गोंदवाल साहब की पवित्र धरती ते मौजूद हाँ। अज एक नहीं तुहानूं दो दरबार कट्ठे दिखावांगे गुरुधामां दे दर्शनां वाली जो आपां वीडियो बनाउने आ जो असीं संगतां नूं गुरुधामां दे दर्शन कराउने आ उस संबंध में अज असीं पहुँचे हाँ गोंदवाल साहब की पवित्र धरती ते ते अज असीं तुहानूं एक नहीं दो दरबार कट्ठे दिखावांगे। एक पासे सूफी फकीर शाह हुसैन जी का दरबार ते दूसरे पासे भाई प्रेमी जी जो गुरु अमरदास जी दे परम प्यारे सेवक होए ने। सो मेरे पिछे तुसीं तस्वीरां देख सकदे हो, एक बारी तस्वीरां दिखा दिओ। तस्वीरां तुसीं देख सकदे हो कि ये पावन दरबार जिहड़ा गुरद्वारा सिदकी सिख भाई प्रेमी जी उन्हां दा तप स्थान है। सो इस अस्थान ते गुरु साहब ने किरपा कीती कि जिहड़ा भाई प्रेमी जी सी उह भाई प्रेमी जी एक लत तों आ रही सन ते गुरु साहब वास्ते प्रशादा लैके आउंदे हुंदे सी दही लैके आउंदे हुंदे सी पर कोई समा पिया ते पिंड दे चौधरी ने कहा कि तू गुरु साहब वास्ते प्रशादा लैके आउणा है पर जे गुरु साहब इन्ने जा रहे ने ते उह तेरी लत क्यों नहीं ठीक कर सकदे। ते भाई प्रेमी जी ने कहा भाई जदों गुरु साहब की कृपा होएगी ना ते मेरी लत जिहड़ी अपने आप ही ठीक हो जानी है। सो अज असी उस पावन दरबार ते खड़े हाँ। तुसी देख सकते हो कि बहुत ही वधिया तरीके दे नाल दरबार जिहड़ा सजिया होया ते अज असी तुहानू इस पावन दरबार दे दर्शन करावांगे ते जाणू करावांगे इतिहास तों ते नाल दी नाल बाबा जी कोल असी जाके इतिहास भी सुणांगे ते जाणांगे सारी गलबात कि इस अस्थान दा की महत्ता है गुरु की सिक्खी दे विच इस अस्थान दा किहड़ा स्थान है। सो आजो चलदे हां दरबार दे अंदर ते दिखाउने सारी गलबात। सो अज असी तुहानू उस पावन स्थान ते लैके आए हाँ जिस स्थान ते भाई प्रेमी जी दी लत ठीक कीती है गुरु अमरदास पातशाह जी ने। ये जो तुसी जगह देख रहे हो एक फकीर साईं दी जगह सूफी संत बाबा शाह हुसैन जी एक बारी वो तस्वीरां दिखा दिओ सामने। धन धन बाबा शाह हुसैन जी। बाबा शाह हुसैन जी का यह दरबार है जिस स्थान ते भाई प्रेमी जी नूं गुरु अमरदास पातशाह ने भेजिया कि जाओ एक फकीर साईं साडा बैठा है साडा सज्जन है साडा सखा है उहदे पास चले जाओ उह तुहाडी लत जिहड़ी है उह ठीक कर सकदे आ। सो एक बारी अंदर दीआं तस्वीरां वी तुहानूं असीं दिखावांगे। तुसीं देख सकदे हो कि इह जो अस्थान है इह बणिया होया उस तरह ही बाबा जी दी याद विच पीर पातशाह शाह हुसैन जी दी याद विच ये अस्थान जिहड़ा अज भी सुशोभित है। तो इत्थे ही गुरु साहब ने भाई प्रेम जी नूं भेजिया सी कि जाओ तो अपनी लत
ठीक करवा लो। सिदकी सिख भाई प्रेमी जी का दरबार, इस दरबार से लखां लोग आउंदे ने शरदा दे नाल मत्था टेकदे ने। की सी बाबा जी का इतिहास? इस वेले गुरु घर के ग्रंथी सिंह साढ़े नाल मौजूद ने, आओ करदे आ गल्लां बातां ते जानदे सारी बाबा जी के इतिहास बारे। बाबा जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। स्वागत है तुहाडा सुरखाव टीवी ते। ये जो पावन स्थान बाबा प्रेमी जी का, की इसका इतिहास है, साडियां संगतां दे नाल सांझा करो। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, धन धन साहब श्री गुरु अमरदास तीसरे पातशाह जी, जिस वक्त गुरद्वारा श्री बौड़ी साहब विखे 84 पौड़ी की कार सेवा करवा रहे सन, उस वक्त तलवंडी चौधरियां तो भाई प्रेमी जी, जो कि हर रोज़ दही की सेवा नगर के विचों लैके धन धन साहब श्री गुरु अमरदास पातशाह जी के लंगर में पहुँचा करते सन। काफ़ी समा उन्होंने बतीत हो गया सेवा करद्या करद्या। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, एक दिन ऐसा आया भाई प्रेमी जी तलवंडी दे चौधरी दे घर सतनाम वाहगुरु जी की आवाज़ दी जाके तलवंडी का चौधरी बैठा हुआ सी। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी जो भाई प्रेमी जी सन, वो एक लत्त तो आ रही सन, डंडे के सहारे दे नाल तुरिया करते सन। तलवंडी दे चौधरी ने भाई प्रेमी जी नूं ताने मेड़े मारे तो कहन लगे कि भाई प्रेमी जी, तू तीसरे पातशाह जी धन धन साहब श्री गुरु अमरदास पातशाह जी का सेवक है, इन्ने चिरां तो सेवा करदा आ रहा है, जिन्हां ने कि मुरदियां दे विच जान पा दित्ती, की गल हो तेरी लत्त नहीं ठीक कर सकते। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, जो भाई प्रेमी जी का सहारा सी, डंडा सी, वो चौधरी ने खोह लिया ते गुरु अमरदास पातशाह जी लंगर दे विच बैठे हुए सन। संगत ने प्रशादा छकना सी ते भाई बलू जी जो कि गड़बई हुए हैं धन धन साहब श्री गुरु अमरदास पातशाह जी दे, भाई बलू जी नूं गुरु अमरदास पातशाह जी कहन लगे, भाई बलू जी की गल है, अज अपना प्रेमी दही का गफा लैके नहीं आया। भाई बलू जी कहन लगे, पातशाह जी कोई गल नहीं, आ जाएगा, कोई काम पै गया होएगा। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी थोड़ा समा पा के भाई प्रेमी जी दही का गफा लैके गुरु अमरदास पातशाह जी दे लंगरां विच पहुँच गए। पातशाह जी कहन लगे, धन धन साहब श्री गुरु अमरदास पातशाह जी, भाई बलू जी की गल है, अज लेट हो गए हो, संगतां ने प्रशादा छकना है। भाई प्रेमी जी कहन लगे, पातशाह जी अज तलवंडी दे चौधरी ने मैनू ताना मीणा मारिया है कि तू एडे समर्थ गुरु का चेला है, सेवक है धन धन साहब श्री गुरु अमरदास पातशाह जी, तू डिगदा ढिंदा दही का गफा लैण वास्ते आउंदा है डंडे दे सहारे नाल, की गल है तेरी वो लत्त ठीक नहीं कर सकते। धन धन साहब श्री गुरु अमरदास पातशाह जी भाई प्रेमी जी नूं कहन लगे, भाई प्रेमी जी म्याणी दे पत्तन ते जाओ, उत्थे धन धन बाबा शाह हुसैन जी जो कि सूफी फकीर होए हैं मुसलमान, वो इत्थे बड़े चिरां तो बंदगी करया करदे सन, उत्थे जाओ तुसी जाके म्याणी दे पत्तन ते, जो बाबा शाह हुसैन जी हन वो तुहाडी लत्त ठीक करनगे। पातशाह जी का हुक्म मन के भाई प्रेमी जी म्याणी दे पत्तन नूं तुर पए। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, बाबा जी बैठे हुए सन, धन धन बाबा शाह हुसैन जी आके नमस्कार कीती। बाबा जी पुछन लगे, आओ कित्थे आए हो? भाई प्रेमी जी कहन लगे कि गुरु अमरदास पातशाह जी ने तुहाडे कोल भेजा, मेरी लत्त ठीक कर दिओ। बाबा जी गुस्से दे विच उठे, लागे उन्हां दे मुकदैर डंडा पिया हो सी, वो लै के भाई प्रेमी जी दे पिछे नसे, तो भाई प्रेमी जी अगे अगे बाबा जी पिछे पिछे गोइंदवाल साहिब नूं जा रहे हन। रस्ते विच जा के धन धन बाबा शाह हुसैन जी उन्हां ने जो डंडा सी वो गाता मारिया, वो भाई प्रेमी जी दी लत्त ते वज्जा जो आ रही सी, लत्त नौ बार नौ हो गई। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, धन धन साहब श्री गुरु अमरदास पातशाह जी बैठे हुए सन, दरबार में पहुँच गए, गल में पला पा के बाबा शाह हुसैन जी दोनों हाथ जोड़ के कहन लगे कि पातशाह जी कर दे आप हो, तो नाम साढ़े फकरां दा लैंदे हो। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, धन धन साहब श्री गुरु अमरदास पातशाह जी ने भाई प्रेमी जी ते बाबा शाह हुसैन जी नूं खुशियां बख्शियां, कहिंदे जाओ तुहाडी बंदगी पूरी हो गई है, जो भी तुहाडे दर ते आवेगा मोह मंगियां मुरादां पावेगा। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, ये जो बाबा जी दी मजार है,
ये धन धन बाबा शाह हुसैन जी उन्हां दी है याद विच जो गुरद्वारा साहब है भाई प्रेमी जी का ये 1994 दे विच धन धन बाबा दर्शन सिंह जी कुली वाले कन्नूपुर काले वाले उन्हां दे वचन अनुसार संगतां दे संजोग दे नाल ये दरबार बनाया भाई प्रेमी याद विच ते गुरु रूप प्यारी साध संगत जी बड़े दूरों दूरों संगत आउंदियां हन मुंह मंगियां मुरादा पाउंदियां हन। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। एक सवाल जरूर जानना चाहूँगा कि जिहड़ी तुसीं वरतांत जो सुनाया आप जी ने की कोई इतिहासक स्रोत किताबों के लिखती रूप में इसका मिलता है सानू, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि बाबा जी होनी सुना देंगे ने पर लिखती रूप तो कुछ नहीं साढ़े को, जे असी किसी को लिखती रूप स्रोत देना हो तो वह की होगा? ये जी सूरज गुरप्रताप जो साडा पुरातन ग्रंथ है सिक्खी का उस दे विच धन धन साहब श्री गुरु अमरदास जी जीवनी पढ़ीए तो उन्हां दे नाल बाबा शाह हुसैन जी तो भाई प्रेमी जी की जीवनी दे नाल संबंधित इतिहास आता है। महिमा सूरज गुरप्रताप जो कि सिक्खी दे अपने ग्रंथ हैं वो सरूपदास ज्ञानी सरूपदास भला जी ने लिखे हुए हैं उन्हां दे विच भी इन्हां दा जिक्र आता है। तो इतिहासक जगह है, कोई मिथिहासक जगह नहीं है गुरु प्यारी सतसंग जी। हाँ जी गुरु साहब तो कोई सवाल नहीं है। वैसे मैं एक जो लोग जानना चाहते हैं भी साडा इतिहासक स्रोत की है, जो मान लो किसी ने पढ़ना हो दसांगे है ना, सो प्रधान साहब तुसी दसो भी गुरु साहब ने जिहड़ा यह स्थान प्रगट किया इत्थे जिहड़ा त्यौहार तुसी मनाउंदे हो कदों मनाउंदे हो संगतां ने दर्शन करने होण ते कदों आ सकदे? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। ये जिहड़ा असीं सालाना इत्थे जोड़ मेला मनाउंदे आ जी, सावन के पहले वीरवार मनाने ऐतकी भी 6 सावन 21 जुलाई में ये दिन मनाया जा रहा है जी। ये समूह साध संगत के सहयोग ना ही सारा कुछ इतने मनाया जाता है, तो पूरी गुरमर्यादा अनुसार गुरु साहब के पहला पाठा के भोग पैंदे आ, उस तो बाद इत्थे कीर्तन दरबार हुंदा है, उस तो बाद फिर कवीशरी जथे भी आ गुरु साहब की महिमा का ज्ञान करते वर्णन, तो शामी 5 बजे लगभग इत्थे कबड्डी मैच हो रहे हैं। ऐतकी इत्थे लड़कियां दा ते लड़कियां दा दोवां दे कबड्डी मैच हो रहे जी। जिहड़ा इतिहास आ उस दे उह साडे जिन्ने भी पुरातन ग्रंथ आ, जिद्दां देखो आ सामने श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ है जी, सामने देखो कवि भाई संतोख जी जिल्द पहली जिस विच पहली दूजी ते तीजी तिन्ना रसा हन, इहदे विच भी ये जिहड़ा बाबा शाह हुसैन जी का इतिहास आ वह पूरा वर्णन किया गया। इस तो बाद वो दूसरे और देखो अही सामने ये चीज़ों का हवाला तद दिता गया भी ये जिहड़ा स्थान आ ये गुरु अमरदास जी महाराज जी नाल संबंधित आ, उन्होंने प्रेमी भाई प्रेमी जी जिहड़े तलवंडी तो दही लै के आउंदे सीगे उन्हां दी याद विच ते उन बाबा शाह हुसैन जी जी की याद विच ये स्थान बनिया आ। इत्थे बाबा जी की जगह भी आई, स्थान भी आ बाबा जी का, तो इधर भाई प्रेमी जी की याद विच गुरद्वारा साहब भी बनिया आ। ये गुरद्वारा साहब संत बाबा दर्शन सिंह जी कन्नूपुर काल वालियां दे आशीर्वाद नाल ये सेवा हुई है जी। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। ये सन प्रबंधक कमेटी गुरद्वारा साहब जिन्होंने सानू अज इतिहास बारे जानकारी दिती है कि जो बाबा प्रेमी जी होए ने गुरु अमरदास जी के समय एक पासे उस फकीर का दरबार है शाह हुसैन जी का दरबार, तो एक पासे गुरद्वारा साहब सजा होया है, एक सांझी वार्ता का प्रतीक है कि जिथे साडा भाईचारा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि मुसलमानों ने सिखी का बहुत सारा नुकसान किया, पर यह भी सवाल बनता है कि गुरु साहब जी का तो मुसलमान बरादरी नाल प्रेम भी बहुत सी, इस दी एक मिसाल जोंदी जागदी कि दरबार साहब की जड़ी नींह पत्थर है वह भी एक मुसलमान फकीर दे हत्थों रखवाया गया, तो एक सांझी वार्ता का प्रतीक है जो अज असी तुहानूं दरबार दिखा रहे हैं। एक पासे मुसलमान फकीर शाह हुसैन जी बैठे ने, दूसरे पासे भाई प्रेमी जी बैठे ने जो गुरु साहब के बहुत प्यारे सेवक सन। सो अज की वीडियो तुहानूं किवें दी लगी शेयर करो, कमेंट करके जरूर दस्यो, भुला चुका दी माफ़ी। वेखते रहो सुरखाब टीवी तरन तारण। धन्यवाद।